संसद का मॉनसून सत्र टकराव में धुल गया। कोविड और किसान जैसे मुद्दे धरे के धरे रह गए। चुनावों की आहट यूपी में तेज है और अब बीजेपी 16 अगस्त से 104 विधानसभा क्षेत्रों में किसान संवाद करेगी और भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत के नेतृत्व में 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत करेगी सरकार के खिलाफ। इससे पहले आज राकेश टिकैत पहुंचे ओलंपिक के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा से मिलने और ऐलान किया कि इस बार 15 अगस्त को दिल्ली नहीं यूपी के गांव-गांव में तिरंगा फहराएंगे। 15 अगस्त का तो गांव में रहेगा, अपने गांव में झंडा फहराएंगे और जो खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीत कर जाए भाई यहाँ तो उसका भी सम्मान होगा। और 15 अगस्त को दिल्ली में तो नहीं कोई प्रोग्राम है, गांव-गांव का आगे अपने ट्रैक्टर पे अपनी गाड़ी पे तिरंगा लगाओ और अपना यात्रा निकाल लो, हम भी उत्तराखंड में रहेंगे। 5 सितंबर की एक बड़ी पंचायत मुजफ्फरनगर में है तो यहाँ के लोग भी उस पंचायत में शरीक हों, आए और बगैर हरियाणा के पंचायत अधूरी रहेगी। इससे पहले भी आज तक पंचायत के मंच पर टिकैत ने लखनऊ में आंदोलन को लेकर अपना इरादा साफ कर दिया था। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी याद दिला दिया था कि ये यूपी की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ को दिल्ली बना दूंगा क्या मतलब है? प्रमोशन ना करेगा लखनऊ का? करिए करिए। नहीं, लखनऊ का अगर प्रमोशन ना करना हो तो भाई वो बताओ आप। नहीं करिए, अगर ये दिल्ली बन जाए लखनऊ तो कोई ऐतराज है आपको? बिल्कुल, आपको जो करना है आप कीजिए, आप देश के स्वतंत्र नागरिक। देखो हमने कहा ये गांव का किसान है, सीधा बोला है, इसको ज्यादा जानकारी, ये दवाई देता है, उस दवाई से ठीक होता है। कुछ पार्टियों को दिमाग की बुखार है, उनका बुखार उतरा का 3 साल में, बंगाल में दवाई दी तो उनसे कुछ आराम हुआ, कुछ रिएक्शन हुआ, कुछ दवाई इनको यहाँ मिलेगी। राकेश टिकैत आ गए हैं लखनऊ और कह रहे हैं कि लखनऊ को मैं दिल्ली बना दूंगा, क्या दिक्कत आ रही तो लखनऊ कर देंगे कह रहे हैं लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, दिल्ली देश की राजधानी है, हमें हाँ। दिल्ली और लखनऊ में अंतर महसूस करना होगा। आएगा किसान का स्वागत होगा, कानून के साथ कोई खिलवाड़ होगा तो उस तरीके से भी स्वागत होगा। क्या बात है, क्या मतलब समस्या नहीं, यही अंतर बता रहे हैं आप, दिल्ली और लखनऊ का अंतर यही है। मैंने क्या कहा ना, दिल्ली है ये लखनऊ है, तो मुझे लगता है दूसरा वाला तो स्वागत कैसे होता है योगी जी? मैंने कहा ना कि ये अंतर उन सबको भी मालूम होगा जो कहते हैं कि हम लखनऊ को दिल्ली बना देंगे, तो उनको ये भी अंतर मालूम होगा कि ये प्रदेश की राजधानी है, ये देश की राजधानी नहीं है, और प्रदेश की राजधानी में किस प्रकार का चाल चलन होना चाहिए ये भी उनको जानकारी होनी चाहिए। वैसे राकेश टिकैत जैसे जैसे सरकार के खिलाफ अपनी आक्रामकता के साथ किसान आंदोलन का चेहरा बनते चले जा रहे हैं, कई अन्य किसान संगठन अब उन पर उंगली उठा रहे हैं। किसान नेता ठाकुर भानु प्रताप ने राकेश टिकैत पर मुद्दों से बेईमानी का आरोप लगाया। 1980 के दशक में बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के साथ रहे उनके बेहद करीबी किसान नेता ठाकुर भानु प्रताप ने महेंद्र सिंह टिकैत के बाद भारतीय किसान यूनियन से अलग होकर अपना संगठन बना लिया था। केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून के पक्षधर ठाकुर भानु प्रताप ने मुजफ्फरनगर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में चौधरी राकेश टिकैत पर गंभीर आरोप लगाए। राकेश टिकैत आजकल दिल्ली बॉर्डर पे आतंकवाद फैला रहे हैं, कभी तो कोई आता है उसको मारते हैं, कभी कहते हैं कि मैं लखनऊ को दिल्ली बना दूंगा, कभी कहते हैं कि मैं इसमें संसद में गेहूं भर दूंगा। ये संसद में गेहूं नहीं भरे जाते, संसद में मंत्री बैठते हैं, संसद में सांसद बैठते हैं, वहां कानून बनता है और वहीं से कानून पास होता है। राकेश टिकैत के अंदर ईमानदारी तो रही नहीं, राकेश टिकैत ने जब से कमान संभाली है तभी से दलाली शुरू कर दी है, बेईमान, 100% बेईमान राकेश टिकैत जी। इधर टिकैत के महापंचायत फैक्टर को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने 16 अगस्त से बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में किसान संवाद के नाम से जगह जगह पंचायत करने का प्लान किया है। इन पंचायतों में तीनों कृषि कानूनों के फायदे किसानों को समझाए जाएंगे। 16 से 23 अगस्त तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने वाले इन पंचायतों का आयोजन बीजेपी किसान मोर्चा करेगा। 104 विधानसभा क्षेत्रों को चुना गया है, 40 लोगों की टीम जाएगी जिसमें किसान मोर्चा के साथ सरकार के मंत्री भी शामिल होंगे। हर नेता 4 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेगा और एक दिन किसानों संग बिताएगा, उनकी परेशानियां समझने की कोशिश होगी। संदेश है कि देश विरोधी ताकतें किसानों को भड़का रही हैं, प्रधानमंत्री की छवि बिगाड़ने के लिए किसानों को उकसाया जा रहा है। किसानों को समझाया जाएगा कि MSP, पानी, यूरिया और किसानों की स्कीम के साथ सरकार किसानों का भला कर रही है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी कितने भी किसान पंचायत कर ले, किसान उन्हें माफ नहीं करेंगे। किसानों के साथ पूरी तरह कांग्रेस पार्टी खड़ी है,
लड़ाई लड़ रही है, संघर्ष कर रही है तीन काले कानून के खिलाफ। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने समय समय पर किसानों के समर्थन में रैलियां करके, ट्रैक्टर चलाकर और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रोज सड़कों पर आंदोलन करके इस सरकार में विरोध को दर्ज कराने का काम किया है। निश्चित तौर से किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी। उनको अधिकार है, जो बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं, और आंदोलन भी करना एक अधिकार है, इसमें एक लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन वो कानून के तहत हो। देखिए, किसान कहकर आप पंचायत के वो सही नहीं है। कौन कर रहा है, कौन उसके पीछे, उसके बारे में जिक्र करना चाहिए। टिकैत कर रहे हैं, उसके साथ आरएलडी वाले हैं और लोग हैं, वो लोग कर रहे हैं। जो किसानों को दर्द दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, लगातार किसानों की धरनों पे मौतें हुई हैं, उनके बारे में सरकार ने बात करना तक उचित नहीं समझा। उनको तो कभी मवाली बता दिया गया, कभी खालिस्तानी बता दिया गया, कभी पाकिस्तानी बता दिया गया, कभी चोर डकैत बता दिया गया। अब 2022 के चुनाव में किसान इन्हें बताएगा कि उत्तर प्रदेश के किसानों में कितनी ताकत है, वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगा। यूपी में ही होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी किसान पंचायत के जरिए सरकार के कामों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और लखनऊ में कार्यक्रम करके पहुंचाने की कवायद में है। यूपी में बढ़ रहे किसान मोर्चा और राकेश टिकैत के फैक्टर को कम करने के लिए ये पंचायत हो रही है, जिसमें पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ आलाकमान भी किसानों के साथ संवाद में जुटेंगे। साफ है कि यूपी का रास्ता अब किसानों के द्वार से होता निकलता नजर आता है। लखनऊ से कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।